ईद मुबारक। चलो जी, आज हम हाजिर हैं कलेजी नामे के साथ, जिसमें हम कलेजी से रिलेटेड सारे मसाइल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहें इस वीडियो में। और आज एक और भी इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि आज सारा दिन इंस्टाग्राम पे मैं पूरी अपनी वीडियोस डालने वाली हूँ, स्टोरीज डालने वाली हूँ, जो जो मैं आज बनाने वाली हूँ और जो जो मैं कलेजी का बनाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका रेसिपी से रिलेटेड, किसी भी रेसिपी से रिलेटेड जो आप बना रहे हैं या कलेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। लिंक नीचे नजर आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेंगे आप। चलो जी, अब हम कलेजी नामा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कलेजी को कैसे धोया जाए। अच्छा, कलेजी को नॉर्मल सादे पानी से धोना भी काफी है, वो साफ हो जाती है। और इसके अलावा काफी सारे तरीके आपने और भी सुने होंगे, देखे होंगे, उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कलेजी के गलने पे या कलेजी के जायके पे या उसकी स्मेल पे। ठीक है, अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कलेजी धोने पे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल देख सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, कलेजी की स्मेल को कैसे दूर किया जाए ज्यादा अदरक और लहसुन डाल के। ठीक है, आसान हल, अगर आपको ज्यादा स्मेल आती है या आपको फील होता है तो आप उसमें अदरक और लहसुन की क्वांटिटी जितनी आप डालते हैं ना उससे ज्यादा कर लें। ठीक है, इसके लिए भी मेरी कंप्लीट वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि कलेजी को कितना टाइम पकाना चाहिए। और ये लिंक है लास्ट क्वेश्चन से भी कि कलेजी जो है वो उसको नरम कैसे पकाया जाए। अब इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, अगर तो आपको मतलब कलेजी को पकाने का जो टाइम है ना वो दो है, या तो 5 मिनट और या 1 घंटा। समझ आ गई, या तो उसको आप बस 5 मिनट पकाएं, और अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया ना तो बस फिर आपके हाथ से निकल गया, फिर अब 1 घंटा पकाना पड़ेगा। ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, 5 मिनट में भी मैंने कलेजी पकाई हुई है और 1 घंटे में भी कलेजी पकाई हुई है। और लास्ट ये कि कलेजी को सॉफ्ट कैसे बनाया जाए, तो अगेन ये डिपेंड करेगा, अगर 5 मिनट में कलेजी पका लेते हैं ना तो वो भी सॉफ्ट बनती है और जूसी बनती है। ठीक है, और इसके बाद आप 1 घंटा जब पकाएंगे ना कलेजी तो बिल्कुल नरम हो जाएगी और खाने में बड़ा मजा आएगा। सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद कोई क्वेश्चन है फटाफट से कमेंट्स में लिखें, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कलेजी टिक्का, कलेजी का बारबेक्यू, ताजी ताजी कलेजी जो आएगी उसके साथ। इसके अलावा बीफ टिक्का बनाने वाली हूँ मैं और दम पुख्त बनाने वाली हूँ। ये सारा कुछ सीखों पे बनने वाला है और उस पे बनने वाला है, किस पे, कोयलों पे। ठीक है, तो जरूर ये सारी चीजें लाइव देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना होगा, लिंक पे क्लिक करें और देखें कि कैसे ट्राई करती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।